वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। डिजिटल सर्किट एंड सिस्टम की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे बाइनरी टू बीसीडी कन्वर्टर के बारे में। उसके पहले हम जान लेते हैं बीसीडी क्या होता है। ठीक है, बीसीडी मींस बाइनरी कोडेड डेसिमल। बीसीडी मींस क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। ओके, मोस्ट कॉमन बीसीडी कोड क्या है? 8421। ओके, ये मोस्ट कॉमन बीसीडी कोड है। सो बीसीडी कोड इज यूज्ड to represent each digit of decimal number by a separate group of 4 bits binary। okay, देखिए कैसे, मतलब हम single digit की बात करें, single digit decimal की बात करें, ठीक है? तो single digit decimal 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है। मैंने 8 लिया, ठीक है, तो मैं इस 8 को 8421 से कोड करूं तो क्या हो जाएगा, ये 1000। तो ये क्या है? ये बीसीडी है। किसका बीसीडी है? 8 का बीसीडी ये है, ठीक है? तो किसकी हेल्प से मैंने डिकोड किया? 8421 की हेल्प से मैंने ये डिकोड किया। तो ये क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। वही बात तो मैंने कही है। सेकेंड केस क्या बनता है? ये तो सिंगल डिजिट की बात थी। अब मान लीजिए मुझे मल्टी डिजिट्स मिल गए, ठीक है, अब मेरे पास मल्टी डिजिट डेसिमल है। मल्टी डिजिट डेसिमल है मतलब मान लीजिए मेरे पास 12 है, तो इस केस में मैं 1 के लिए अलग से निकालूंगा बीसीडी और 2 के लिए अलग से बीसीडी निकालूंगा, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ 8421। ओके, 8421। ओके, तो क्या हो जाएगा? देखिए 1 के लिए क्या हो जाएगा 0001 एंड 2 के लिए क्या हो जाएगा 0010। तो ये जो आएगा अपना वो क्या रहेगा? अपना बीसीडी। किसका? 12 का बीसीडी। तो यही बात लिखी हुई है। देखिए बीसीडी मींस बाइनरी कोडेड डेसिमल। द मोस्ट कॉमन बीसीडी कोड इज 8421 एंड इन दिस कोड ईच डिजिट ऑफ द डेसिमल नंबर, ईच डिजिट ऑफ द डेसिमल नंबर याद रखिएगा, ठीक है, is represented by a separate group of 4 bits, ठीक है? चलिए second example. Now let us design a 4 bit binary to BCD converter, ठीक है? As we know that 4 bit can represent 16 combination, तो 4 input bit हैं, तो 2 to power 4, that is 16 combinations हमारे पास रहेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये simple block diagram है code converter का। code converter को हम input क्या दे रहे हैं? binary, A B C D, ठीक है? आउटपुट क्या मिल रहा है? बीसीडी, B4, B3, B2, B1 एंड B0, ठीक है? तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे तो भाई 5 बिट्स हैं, हम 4 बिट इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है? 5 बिट आउटपुट मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो देखिए अगर हम किसी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें, ठीक है, सेकेंड केस अगर हम किसी डेसिमल को बीसीडी में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो क्या डिफरेंस है? देखिए 0 से 9 तक तो ये दोनों सेम बिहेव करेगा, मींस 4 बिट में रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, बट जब बात करें बीसीडी की तो जैसे ही ये 9 से अबव जाएगा, मतलब 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, मैं 15 तक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि कॉम्बिनेशन अपने 0 टू 15 तक के ही बने, आगे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे केस में इसके लिए 1 के लिए हम अलग से बीसीडी लिखेंगे और 0 के लिए हम अलग से बीसीडी लिखेंगे, ठीक है, क्यों लिखेंगे? मैंने बताया था ना अभी मैंने जस्ट बताया था मल्टी डिजिट डेसिमल के लिए कैसे बीसीडी निकालते हैं, इसीलिए, ठीक है। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा? देखिए 0001 और 0 के लिए क्या हो गया? 0000, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे भाई 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 5 बिट्स की रिक्वायरमेंट है, मुझे 5 बिट्स रिक्वायर्ड है 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये जो 3 जीरो हैं एक्स्ट्रा, इनका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इट डजंट मेक एनी सेंस, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे अब दिख गया 5 बिट्स की नेसेसिटी है। 1 1 देख लेता हूं मैं, देखिए 0 0 0 1
एंड 0001। अब मुझे 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए बीसीडी में फिर मुझे 5 बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, होगी ना, बीसीडी में रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 5 बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। सिमिलरली मैं 15 देख लेता हूँ, अब 1 के लिए अलग 5 के लिए अलग, तो 0001 एंड 5 के लिए क्या हो जाएगा 0101, ठीक है। 8421 की हेल्प से कर रहा हूँ मैं, बीसीडी में कन्वर्ट करना है ना अपने को। तो देखिए यहाँ पे भी मुझे 5 बिट्स रिक्वायर्ड है भाई, 5 बिट्स में मैं क्या कर लूंगा 15 का बीसीडी लिख लूंगा, ठीक है, यही मतलब था ना। तो देखिए तो वही सोच के हमने 5 बिट लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए इनपुट ए बी सी डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी नॉट बी वन बी टू बी थ्री एंड बी फोर। आई होप समझ में आ गया होगा ये 5 बिट्स क्यों लिया, क्योंकि देखिए 0 से 9 तक के रिप्रेजेंटेशन के लिए तो 4 बिट इनफ है, लेकिन 9 से ऊपर जैसे हम बढ़े, 9 से 15 के बीच की बात करूं मैं, तो जैसे हम बढ़े 9 से ऊपर, तो बीसीडी में रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी डेसिमल को हमें 5 बिट्स नेसेसरी होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम आउटपुट क्या ले रहे हैं, 5 बिट्स का ले रहे हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्या है अपना ट्रूथ टेबल है इसका, फॉर बाइनरी टू बीसीडी कन्वर्जन, ठीक है। ये क्या है अपना बाइनरी है, और ये क्या है अपना बीसीडी है, ठीक है। देखिए ये 0 का इक्विवेलेंट बाइनरी और ये 0 का इक्विवेलेंट बीसीडी, ओके। ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12, 13, 14 एंड 15, ओके। आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए यही तो है वो फिफ्थ बिट, एक्स्ट्रा फिफ्थ बिट जो थी, ये तो है वो, देखिए। तो देखिए 0 टू 9 तक के लिए तो मुझे रिक्वायरमेंट थी ही नहीं ना फिफ्थ बिट की, इसीलिए मैंने 000 लिख दिया। अब मुझे 9 से ऊपर की वैल्यूज के लिए फिफ्थ बिट की रिक्वायरमेंट थी, ताकि मैं उस नंबर को बीसीडी में कन्वर्ट कर सकूं, मतलब बीसीडी में रिप्रेजेंट कर सकूं। जैसे 10 को मुझे बीसीडी में रिप्रेजेंट करना था, तो मैं क्या कर, मेरे को फिफ्थ बिट की नेसेसिटी थी, तो ये फिफ्थ बिट 1 हो गया। 11 में भी देखिए 1, मैंने इसके पहले ही अभी जस्ट निकाला है इन सब का, तो 5 बिट इसीलिए रिक्वायर्ड थे, तो ये हो गया अपना। अब देखिए क्या होता है, ये क्या होता है मिनटर्म 0, मिनटर्म 1, मिनटर्म 2, मिनटर्म 3, मिनटर्म 4, मिनटर्म 5, मिनटर्म 6, मिनटर्म 7, मिनटर्म 8, मिनटर्म 9, मिनटर्म 10, मिनटर्म 11, मिनटर्म 12, मिनटर्म 13, मिनटर्म 14 एंड मिनटर्म 15, ओके। तो चलिए अब हम के मैप का यूज करेंगे, और हम किसका किसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, बी नॉट का, बी वन का, बी टू का, बी थ्री का एंड बी फोर का, ठीक है। चलिए के मैप का हेल्प से हम निकालते हैं, हम सबसे पहले किसका निकाल लेते हैं, बी नॉट का, ओके। इनपुट्स क्या दिए हुए हैं, ए बी सी एंड डी, ओके। तो देखिए 00 01 1110, ओके, 00 01, यहाँ पे क्या होता है मिनटर्म 0, यहाँ पे मिनटर्म 1, मिनटर्म 2, मिनटर्म 3, मिनटर्म 4, मिनटर्म 5, मिनटर्म 6, मिनटर्म 7, मिनटर्म 8, मिनटर्म 9, मिनटर्म 10 एंड मिनटर्म 11, मिनटर्म 12, मिनटर्म 13, मिनटर्म 14 एंड मिनटर्म 15। फिलअप करते जाइए, चलिए बी नॉट के लिए निकाल रहे हैं ना, तो चलिए बी नॉट देखिए, बी नॉट मिनटर्म 0 पे क्या है 0, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 0, ठीक है। मिनटर्म 1 पे क्या है 1, तो मैंने 1 लिख दिया। मिनटर्म 2 पे क्या है 0, तो मैंने क्या लिख दिया 0। मिनटर्म 3 पे क्या है 1, तो मैंने फिर से 1 लिख दिया। सिमिलरली ऐसे ही लिख दीजिए,
जीरो वन जीरो वन ओके जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन ऐसा पैटर्न बनेगा। ठीक है तो ये क्या बन रहा है, पेयरिंग बन गई 8 बिट्स की। ठीक है तो यहां से क्या आ गया अपना बी नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया अपना ए आ गया। ठीक है ये मैं अब सॉल्व करना आता होगा, बहुत इजी है। ठीक है अब चलिए हम किसका निकाल लेते हैं, बी वन का निकाल लेते हैं। ठीक है फिर से लिख लीजिए वही चीज ए बी सी डी। ठीक है जीरो 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 वन 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 जीरो 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 वन 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 एंड वन जीरो। ठीक है चलिए इसको फिलअप करते हैं, जीरो जीरो वन वन ओके जीरो जीरो वन वन जीरो 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 वन वन जीरो जीरो ओके। ये यहाँ टू का पेयर बना और ये यहाँ फोर का बना। ठीक है तो यहाँ से बी वन क्या आ गया, यहाँ से अपना बी वन आ गया डी सी बी बार प्लस डी बार बी ओके। चलिए अब हम बी टू का निकाल लेते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है उसे इनपुट्स वैसे ही लिख लीजिए आप, जीरो 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 वन 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 जीरो 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 वन 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 जीरो। ठीक है चलिए इसको फिलअप करते हैं आप, जीरो 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 ठीक है वन 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 ओके जीरो जीरो वन वन एंड जीरो 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 जीरो। ठीक है ये मैंने यहाँ पहले 12, 13, 15, 14 भर दिया, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, आप ये भर के ये भर लीजिए, अगर आपको जैसा इजी लगे वैसा आप करिए। ठीक है ये फोर का बना एक ग्रुप और ये एक फोर का ग्रुप बना। ठीक है तो यहाँ से अपना B2 का एक्सप्रेशन क्या आ गया, D बार C प्लस CB। ठीक है अब हम B3 के लिए निकाल लेते हैं, चलिए B3 की बात करें तो बी ए सी डी ओके जीरो 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 वन 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 जीरो 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 वन 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 जीरो ओके। चलिए इसके लिए फिल कर लेते हैं क्या हो जाएगा, देखिए जीरो 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 ओके वन वन जीरो जीरो एंड जीरो 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 जीरो। ठीक है तो ये पेयरिंग बन रही है यहाँ पे, तो B3 क्या आ गया अपना, B3 इज इक्वल टू सॉरी B3 इज इक्वल टू अपना B बार C बार D। ठीक है अब चलिए हम लास्ट किसके लिए निकाल लें, अब हम निकाल लेते हैं B4 के लिए। ठीक है सेम वही लिखिए, कुछ अलग नहीं है, जीरो 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 वन 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 जीरो 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 वन 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 जीरो ओके। तो चलिए फिल करते हैं, जीरो 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 ओके जीरो 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 वन 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 ओके। तो ये फोर का इधर ग्रुप बना और इधर ये फोर का ग्रुप बना। ठीक है तो अपना बी फोर का एक्सप्रेशन क्या आ गया, बी फोर इक्वल टू डी सी प्लस डी बी बी फोर इक्वल टू क्या हो गया डी सी प्लस डी बी। तो ये हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया, अब हम सर्किट इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं इसका। ठीक है कोड कन्वर्टर इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं, चलिए अब इम्प्लीमेंट करते हैं हम। ठीक है देखिए ये क्या है, बाइनरी इनपुट हमको देना है ना, तो हम यहाँ से दे देते हैं बाइनरी इनपुट। ठीक है मैंने यहाँ ये दे दिया, यहाँ मैंने बी दे दिया, तो यहाँ मुझे क्या मिल गया बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ मैंने क्या दे दिया सी, तो यहाँ मुझे क्या मिला सी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ मैंने दिया डी, तो यहाँ मुझे क्या मिला डी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है तो यहाँ मुझे क्या आउटपुट में मिल रहा है ए, आउटपुट ए किसका था बी नॉट का ओके। सेकंड देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे भाई डी आ रहा है, फिर सी आ रहा है और क्या आ रहा है बी आ रहा है। ठीक है आ रहा है यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, डी बार आ रहा है और क्या आ रहा है बी आ रहा है। यहाँ मुझे क्या मिला बी सी डी
यहाँ क्या मिला बी डी बार, तो ये और गेट है, तो इसने क्या आउटपुट दिया बी सी डी प्लस बी डी बार। ये किसका आउटपुट है, ये अपना है बी वन का। ओके चलिए अगला चेक करते हैं, यहाँ से क्या आ रहा है डी बार आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है मतलब यहाँ डी बार आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है सी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है फिर से सी आ रहा है और बी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला देखिए सी डी बार एंड बी सी मिला, मिला तो ये और गेट है, इसने क्या आउटपुट दिया बी सी प्लस सी डी बार। ओके तो ये किसका है बी टू का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या मिल रहा है देखिए डी सी बार एंड बी बार मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या आउटपुट क्या आया एंड गेट का बी बार सी बार डी, ये क्या है यही तो है बी थ्री। अब यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे क्या मिला है देखिए डी सी, ओके और यहाँ पे डी एंड बी, ओके तो यहाँ डी सी डी बी, ठीक है। तो ये और गेट है तो क्या मिल गया डी सी प्लस डी बी, ओके तो ये क्या है ये अपना बी फोर है। तो मैंने जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशंस थी, ठीक है, जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन थी उसको मैंने लॉजिक डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। आई होप कन्वर्ट करना आपको आता ही होगा, बेसिक सा फंडा होता है। अगर ये मल्टीप्लाई फैक्टर है, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई फैक्टर दिख रहा है आपको, तो यहाँ मुझे मालूम है एंड गेट यूज करूंगा मैं, और ये प्लस का साइन दिख रहा है तो मुझे मालूम है प्लस के लिए मैं और यूज करूंगा। यही सब दिमाग में रखते हुए मैंने सर्किट डिजाइन कर लिया। तो यहाँ पे मैं इनपुट्स क्या दे रहा हूँ, बाइनरी इनपुट्स दे रहा हूँ, ए बी सी डी क्या था अपना बाइनरी इनपुट्स, और आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है बी नॉट बी वन बी टू बी थ्री एंड बी फोर, मीन्स आउटपुट मुझे क्या मिल गया बी सी डी आउटपुट। बस यही कॉन्सेप्ट था इसका। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द फर्दर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द अपकमिंग वीडियोस ऑफ डिजिटल सर्किट एंड सिस्टम।